आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अदालत में मौजूद हूँ और जिस तरह से ये जो कैंपेन चलाई जा रही है बड़े अरसे से यू नो इस तरह की बातें और इल्ज़ाम बे बुनियाद फॉल्स एलिगेशन और एक तरह की कॉन्सर्टेड कैंपेन में जो कि वॉज ऑन गोइंग और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आई थी। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा नया साल इस तरह शुरू होगा कि मैं अपने ऊपर किए जाने वाले कैरेक्टर असैसिनेशन की वजह से मुझे अदालत के दरवाज़े तक आना पड़ेगा, लेकिन हियर आई एम क्योंकि मेरे सब्र की मेरी बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो चुकी है एंड आई फील कि जो भी ये इस तरह की कैंपेन्स चलाते हैं या इंसिनुएशन करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, साथ साथ उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो इस तरह के झूठ को इस तरह की बकवास को अफवाहों को आज के दौर में जबकि बड़ी ईजीली चीज़ों को फैब्रिकेट किया जा सकता है, बड़ी ईजीली फेक चीज़ें बनाई जा सकती हैं, मुझे हैरत होती है कि लोग किस तरह इस चीज़ को मान लेते हैं। सो यही कहूँगी कि जितने भी लोग इस चीज़ में मुलव्वस हैं, मैं यहाँ पे अपनी फ्रेटर्निटी की तरफ से खड़ी हूँ, यहाँ जितनी ख़वातीन हैं मेरे मुल्क की मैं उनकी तरफ से खड़ी हूँ यहाँ ये बताने के लिए कि किसी औरत के किरदार पर इस तरह किसी को भी कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं, और मैं अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए यहाँ अदालत आई हूँ इंसाफ की उम्मीद लेकर कि जितने भी लोग जो ये कर रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसी की इस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन करना, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना, हार्मफुल गॉसिप फैलाना, कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये तमाम चीज़ें क्रिमिनल ऑफेंस हैं एंड इट्स अगेंस्ट द लॉ। और ना सिर्फ वो लोग जो ये प्रोपेगेंडा या इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बल्कि वो भी जो इन झूठी खबरों को इन फजूलियात को इस रबिश को आगे फॉरवर्ड करते हैं बिना किसी तस्दीक के, बिना किसी जानकारी के, ये भी एक क्राइम है। सो यू आर कमिटिंग अ क्राइम और यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। और मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया। अब मुझे सिर्फ अथॉरिटीज से ये जवाब चाहिए कि वो इस सब को ख़त्म करने के लिए, इस सब को रोकने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं, बिकॉज वी हैव हैड इनफ एंड दिस कंटिन्यूस कॉन्स्टेंट टारगेटेड बुलिंग और हरासमेंट नीड्स टू स्टॉप। मैं भी ये बताएं कि ये कोई प्लान्ड कैंपेन है आपके ख़िलाफ़, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है या वैसे ही किसी ने शुरू कर दिया? बस देखिए, मोटिव कोई भी हो, आपके मुल्क के आर्टिस्ट की इज्जत करना सबको हमें बाहर मुल्कों में आर्टिस्ट की इज्जत होती है, उनको सेलिब्रेट किया जाता है उनके काम को, उनकी अचीवमेंट्स को, बट यहाँ बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे मेंटली सिक लोग मौजूद हैं जिन्होंने बाकायदा एक उनकी फेवरेट हॉबी बन चुकी है हमारे आर्टिस्ट को स्कैंडलाइज करने का, एंड इसीलिए मैं आज यहाँ अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, अपने मुल्क की खवातीन के लिए खड़ी हूँ, अपने हकूक के लिए खड़ी हूँ और इंसाफ मांग रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। दिस इज़ डैमेजिंग मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत इमोशनल ट्रॉमा और बड़ी अजियत और ज़हनी तकलीफ से गुजर रहे हैं हम लोग, मेरी फैमिली और मैं, इस सब की वजह से तभी आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ एंड आई होप कि मुझे इंसाफ।